हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूफी खान फाउंडेशन। आप देख सकते हैं जैसे कि हर साल की तरह के इस बार भी आफ्टर कोविड हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने यहाँ पर आए हैं। ये रायबरेली का ऐतिहासिक ईदगाह है, 1000 ओल्ड मतलब 1000 साल पुरानी खपर मलन ईदगाह। आप देख सकते हैं ये खपर मलन ईदगाह, यहाँ नमाज़ लोग पढ़ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आए थे। ये बाबर की बनाई हुई बाबर की बनाई हुई ईदगाह है, ये 1000 साल पुरानी। आप देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में नमाज़ पढ़ने आते हैं लोग हर साल के तरीके, और यहाँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल हिंदू मुस्लिम चल रहा है, माइक का विवाद चल रहा है, माइक में नमाज़ लेकिन लोग नहीं पढ़ने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हिंदू के यहाँ के गांव वाले जो हैं हिंदू हैं, लेकिन इन लोग जो हैं मुसलमान के सपोर्ट में हैं। और ये शहर से 7-8 किलोमीटर दूर लगभग बनी हुई है ये ईदगाह, मतलब ये बिल्कुल गांव में विलेज में बनी है, जंगल में। सिर्फ खाली यहाँ पर साल में 2 बार नमाज होती है, बस ईद और बकरीद। आप देख सकते हैं ये ईद और बकरीद सिर्फ 2 बार नमाज होती है साल में, हज़ारों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं भी यहाँ पर बचपने से नमाज़ पढ़ता चला आ रहा हूँ, जब से मैंने वो संभाला। हज़ारों की तादाद में नमाज़ पढ़ाने हैं, वो मौलाना साहब हैं उधर, लोग मौलाना साहब से ईद मिल रहे हैं, ईद की बधाई दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक रायबरेली की ऐतिहासिक ईदगाह है, करीब 1000 ओल्ड है, 1000 साल पुरानी है। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, जैसे मुनव्वर राना हर साल यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं क्योंकि उनका बर्थ प्लेस है। चला जा सके तुम्हारी यूट्यूब में डाल देंगे तुम्हारा फोटो।